देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। जोन गोरखपुर सर के निर्देशन में सिद्धार्थ नगर पुलिस द्वारा ऑपरेशन तमंचा 2.0 की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य है क्राइम में जो लोग भी अवैध शस्त्रों का प्रयोग करते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। जो भी इस तरह के शस्त्रों की सप्लाई करते हैं और इनके सोर्स हैं उनका गिरफ्तारी की जाए, उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई पूर्ण करें। इसके तहत आज चार लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिनका नाम सुजीत चौधरी, अविनाश चौधरी, सुनील चौधरी और विशाल चौधरी है। इसमें पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि अविनाश एक व्यक्ति है जिसने अपने फेसबुक स्टेटस में अवैध तमंचे की फोटो लगाई थी। इसको हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई तो इसने बताया कि जब ये मुंबई में था तो वहाँ पर अनिल चौधरी जो व्यक्ति है उसका ये उससे तमंचा लिया था, वही फोटो इसने लगाई थी। इस अनिल चौधरी की तलाश में जब पुलिस निकली तो इसका भाई सुनील चौधरी को हिरासत में लिया गया। सुनील के चौधरी के जब मोबाइल को चेक किया गया तो उसके मोबाइल में कई सारे अवैध शस्त्रों की फोटो मिली। इसने पूछताछ में बताया कि दो व्यक्ति हैं सुरजीत और विशाल, जिनसे जो शस्त्र अवैध शस्त्र की बरामदगी की जाती है की जा सकती है। इन पे जब वर्क किया गया तो इसमें सुरजीत चौधरी को जब हिरासत में लिया गया तो इसके पास से एक अवैध रिवॉल्वर बरामद हुआ। साथ ही इसमें विशाल चौधरी है जिसके मोबाइल चेक करने पे इसके भी मोबाइल में कई शस्त्रों के फोटो मिले। इन सबके पूछताछ करने से ये निष्कर्ष निकला है कि एक व्यक्ति अपराधी है, अजय सिंह, जो संत कबीर नगर का रहने वाला है और हाल में ये शिवनगर डिडई जनपद सिद्धार्थ नगर में रह रहा था। इससे इन लोगों ने अवैध शस्त्र प्राप्त किए थे और जो इसमें जो अनिल चौधरी है इनके माध्यम से या स्वयं अवैध शस्त्र प्राप्त करके इसने मुंबई में अवैध शस्त्रों की सप्लाई करी है और इसमें वर्क करते हुए हमारी टीम ने इन चारों को गिरफ्तार किया है। इसमें बाकी जो अभियुक्त है ये वांछित है, इनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी और जनपद सिद्धार्थ नगर पुलिस का प्रयोजन है कि जितने भी इस तरह के अवैध शस्त्रों के व्यापार में शामिल है उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और इसमें आपके माध्यम से सभी को अपील भी की जाती है, जनता में जिनको भी जानकारी है कि उनके गांव में या पड़ोस में जो लोग अवैध शस्त्र को रखते हैं या इस तरह के व्यापार में संलिप्त है उसकी सूचना पुलिस को दी जाती है या हमारे सीयूजी नंबर पर डायरेक्ट अपनी आइडेंटिटी को गोपनीय रखते हुए दे सकते हैं। इस तरह के सभी अपराधियों पर कार्रवाई की जाएगी। कितने स्तर बरामद किए गए सर? आज की कार्रवाई में एक अवैध रिवॉल्वर बरामद किया गया, साथ ही इनके पास से एक मोटरसाइकिल, चार मोबाइल, 11,980 रुपये नकद, इसके अलावा इनके जो ATM कार्ड्स और अन्य कार्ड्स की बरामदगी की। कितने दिनों से लगभग इस तरह कार्य में संलिप्त, कितना इन्होंने लाभ बेचा होगा जानकारी? अभी ये विवेचना प्रचलित है, इसमें जो अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी होगी तो पूर्ण रूप से इनका कितना बड़ा व्यापार था इस की जाएगी। इन्होंने पूछताछ में ये बताया कि कुछ महीनों पहले इन्होंने एक व्यक्ति को बस्ती में सप्लाई किया है, इसके अलावा ज़्यादातर इन्होंने मुंबई में सप्लाई किया है। इसमें जो अनिल चौधरी जो इस वर्तमान में फरार है उसकी गिरफ्तारी और इसमें जो मेन अभियुक्त है अजय, जिसके ऊपर पूर्व में भी लूट और हत्या के प्रयास आर्म्स एक्ट के मुकदमे पंजीकृत है, इस पर कार्रवाई करते हुए इसमें विवेचना पूर्ण की जाएगी।